चौधरी असद हुसैन राजा मोहना एस्टेट जिला अमेठी की तरफ से सभी देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को शब बारात और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। पूरे देश में होली के दिन खुशियां मनाई गईं, लेकिन अमेठी जिले का मंजर ही कुछ और रहा। अमेठी जिले में कहीं नौजवान की लाश मिली तो कहीं 65 साल के बुजुर्ग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बार होली में जहां कुछ लोग रंगों की मस्ती में डूबे हुए थे तो कुछ घरों में मातम का सन्नाटा छाया हुआ था। पेश है ये खास रिपोर्ट। अमेठी जिले में 28 मार्च यानी होलिका दहन के रोज मोहनगंज कोतवाली इलाके के फूला गांव में कुछ युवक एक शख्स के घर का छप्पर उखाड़ने पहुंच गए। ये युवक छप्पर उखाड़कर होलिका में जलाना चाहते थे। छप्पर के मालिक ने उन युवकों की मुखालिफत शुरू कर दी, जिससे नाराज युवकों ने उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच पास की गौशाला के चौकीदार छेदीलाल बीच बचाव के लिए पहुंच गए, लेकिन नशे में धुत लड़कों ने 65 साल के चौकीदार को जमकर पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें कुछ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जायज कोतवाली इलाके के त्रिपुला के पास 30 साल के नौजवान रमेश की लाश लावारिस हालत में पड़ी मिली। ये लाश सड़क किनारे गड्ढे से बरामद की गई। इतना ही नहीं, लाश के पास से उसकी क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि रमेश मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के टटरिया गांव का रहने वाला था। युवक की मौत के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब आपको लेके चलते हैं गौरीगंज कोतवाली इलाके में, जहां मझवारा गांव में होली खेलते वक्त पड़ोसियों का आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद करीब दर्जन भर महिलाएं नाराज होकर कोतवाली पहुंच गईं, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद ये सभी नाराज महिलाएं सीधे एसपी ऑफिस जा पहुंची और सारी आपबीती एसपी साहब के सामने बयां की। एसपी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार मामला दर्ज किया गया और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाजा बज रहा, हम लोग नाच रहे थे वहाँ पर, क्या कहते, सब लोग बैठे थे। 2-3 लड़के, मतलब 10-15 लड़के आए, उल्टा सीधा गाली देने लगे। हमने कहा गाली मत दो, जिसकी लड़ाई है वहाँ पर जाओ। उन लोगों ने क्या किया कि घर पे आके वो जो लड़का बैठा था उसको खींच के बाहर निकालने लगे। हम लोगों ने कहा बाहर नहीं निकालेंगे, बस उतने में मेरी मम्मी को भी धक्का दिया, मुझे भी धक्का दिया, मुझे मारा भी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। और उसके बाद क्या कहते, घर में जो किमाड़ा दरवाजा लगा था उसको उस पर भरा भर लात मारने लगे। उल्टा सीधा जो पाया, मम्मी को भी गाली दी, मुझे भी गाली दी। कह रहे थे ऐसे वैसे कर देंगे, तुम्हें रास्ता आने नहीं देंगे, तुम एक एक चीज़ के लिए तरस जाओगे, तुम्हें मारकर फेंक देंगे। वो बोल रहे थे, उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो करें, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।